Okay, elasticity ka lecture number one. First we'll discuss the synopsis, whatever important formulas, whatever basic concepts additionally required ya jo hum log ne padha hua hai usko aur achhi tarike se padh ke we'll proceed with the numericals. So first formula is stress. Stress is what? It is internal restoring force. मैथ्स में डिवाइड बोलते हैं, फिजिक्स में भी इसे पर यूनिट एरिया. नोटेशन के फॉर्म में लिखूं तो इट इज सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. नाउ ये फॉर्मूला यहाँ तक सबको मालूम है. अब डिपेंडिंग अपॉन ये स्ट्रेस कौन सा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस है या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है. अगर स्ट्रेस है तो उसके अंदर, ठीक है, ये फोर्स और ये एरिया, ये दोनों हमेशा आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे. और अगर ये शेयरिंग स्ट्रेस है, ये अगर शेयरिंग स्ट्रेस है तो फोर्स और एरिया हमेशा आपस में पैरेलल रहेंगे. ना जब मैं पैरेलल बोलता हूँ तो इसका मतलब फोर्स और एरिया के बीच का थीटा जीरो होगा और यहाँ पर ये थीटा होगा 90 डिग्री. अगर बात करें इसके यूनिट की तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, और बात करें इसके डायमेंशन की तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t^-2. एरिया का डायमेंशन इज L2. ये L2 ऊपर जाएगा तो दिस इज L-2, ये -2 और ये +1. दिस विल बिकम व्हाट, m1 l-1 t^-2. ये है डायमेंशन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूले, दैट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन को हम लोग चेंज भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, स्ट्रेन. और स्ट्रेन मतलब इट इज चेंज. और ये हमेशा कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना चेंज हुआ कितने पे. ओके, इन इलास्टिसिटी स्ट्रेन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते, कोई भी स्ट्रेन होने दो, उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कितना चेंज हुआ डायमेंशन में अपॉन उसका ओरिजिनल डायमेंशन कितना था अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अगेन डिपेंडिंग अपॉन ये कौन सा स्ट्रेन है. ओके, इट कैन बी लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेन, इट कैन बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड इट कैन बी शियरिंग स्ट्रेन. ओके, तो अगर फॉर्मूले की बात करो, नोटेशन इसका ई होता है, डेल्टा एल अपॉन एल. बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर छोटा एल लिखते हैं और यहाँ पर इसको कैपिटल एल लिखते हैं. ओके, तो मीनिंग नोटेशन कुछ भी लिखो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है. नो यूनिट नो डायमेंशन. अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डेल्टा एल जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चेंज इन लेंथ बोलते हैं, ये हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजिशन. ठीक है, दैट इज अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करूँ तो, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करूँ तो, उसमें डेल्टा एल जो होता है इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन. ठीक है, और ये जिसको हम लोग ओरिजिनल लेंथ बोलते हैं, ये होता है, इट इज द डिस्टेंस, बोलो डिस्टेंस, बोलो लेंथ, बोलो इट इज द डिस्टेंस लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द पॉइंट एट विच फोर्स या लोड is acting. Okay, now इसके ऊपर examples कैसे आते हैं,
तो पहला एग्जांपल कुछ जो है, ठीक है, पहला एग्जांपल कुछ ऐसा आ सकता है। बिफोर वी डिस्कस द एग्जांपल, अगर एक वायर है, ठीक है, और उसका जो लेंथ में चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और वायर टूटता नहीं है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेस है, और वो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, और ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ओके, नोटेशन के फॉर्म में लिखूँ तो दिस इज वाई, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, एंड दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। ये एल ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो y का फॉर्मूला कितना हो गया, y का फॉर्मूला हो गया f इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा l। यहीं से हम लोग और एक फॉर्मूला बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस इज, और यहाँ से जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो, अगर मुझे डेल्टा l चाहिए तो डेल्टा यहाँ से कितना होगा, f इंटू एल एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस। ओके, और अगर मुझे फोर्स चाहिए तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा वाई ए, ठीक है, यहाँ से फोर्स वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ओके, नाउ अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स से अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, कि एक वायर है, लेट्स से दिस इज दैट वायर जिसका ओरिजिनल लेंथ इतना है। ओके, मैंने कुछ तो वेट अटैच किया और वो वेट अटैच करने से इसका लेंथ कुछ तो इंक्रीज हो गया, और उसका लेंथ जो भी इंक्रीज हो गया, समझो वो लेंथ उसका इंक्रीज हो गया इतने से, ठीक है, इतने से लेंथ इंक्रीज हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल। तो ओके, अगर मैं बोलूँ कि इसका जो चेंज इन लेंथ है, ठीक है, वो उतना ही हुआ जितना ओरिजिनल लेंथ है, तो वो केस में क्या होगा, तो वो केस के अंदर यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, इट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, नाउ डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, समझो वायर का लेंथ है 10 मीटर, तो मैंने उसका लेंथ भी कितना चेंज किया, 10 मीटर से ही चेंज किया, मतलब ये कितना है डेल्टा एल, तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस बोलो या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इसको लोग दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन में घुमा सकते हैं, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस कौन सा क्या क्या कंडीशन होगा, इन विच केस यंग्स मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस, जब चेंज इन लेंथ उतना ही होगा जितना उसका ओरिजिनल लेंथ है वायर का। ओके, तो या फिर क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस, तो बताओ चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो वायर का जितना भी ओरिजिनल लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, उसका चेंज इन लेंथ होगा। ओके, ये एक था, इफ चेंज इन लेंथ इज व्हाट इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। ओके, दूसरा इसके ऊपर वैरायटी क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, वो कुछ ऐसा है कि एग्जाम्पल टू, एक वायर ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। ओके, मतलब एक वायर है, लेट्स से वो जो वायर है, समझो मैंने कि एक वायर चुइंगम का बनाया हुआ है, ठीक है, और वो वायर कुछ ये है, लेट्स से दिस इज दैट चुइंगम वाला वायर, जो समझने के लिए मैं ले रहा हूँ। ओके, और ये वायर जैसे ही मैंने यहाँ पर फिक्स किया, ठीक है, और जैसे ये, और मैंने कुछ लोड कुछ भी अटैच नहीं किया, मैं क्या देखता हूँ, जैसे ये च्युइंगम वाला वायर जैसे मैं अटैच करता हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ ये वायर खुद का ही वेट से एक्सटेंड होगा लेंथ में, कुछ तो चेंज होगा, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि वो अपना लोड हैंडल नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा। तो एक वायर टूट है ना, एक वायर जो अपने ही वेट से टूट जाएगा, क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आ सकता है कि वो टूटने के पहले कितना उसके अंदर एक्सटेंशन होगा, डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन कम, कि एक वायर है जो खुद का ही
खुद का ही वेट से क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो वो कितना एक्सटेंड होगा ठीक है टूटने के पहले। ओके तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को मालूम है कि डेल्टा एल क्या होता है, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ओके ये हम लोग ने अभी निकाला हुआ है। अब ये पूरे वायर का जो मास होगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा, वो मास कुछ यहाँ पर एक्ट करेगा उसके सेंटर पे जिसको है ना, और वो कितना एक्ट करेगा, ये वायर का जो भी मास है मल्टीप्लाई बाय जी। ओके इतना ये वायर का जो भी मास होगा, जो भी वेट होगा, वो उसके सेंटर, वो उसके सीजे के थ्रू एक्ट करेगा और वो यहाँ से एक्ट करेगा। अब ये एल क्या होता है, बरबर एल मैंने जैसे अभी थोड़े टाइम पहले बोला, एल होता है ये जो डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके ठीक है जो पॉइंट पर लोड एक्ट कर रहा है वो हमेशा डिस्टेंस होता है। तो समझो अगर ये वायर का लेंथ अगर एल है तो ये लेंथ कितना होगा, एल बाय टू होगा। सो और फोर्स ठीक है ना, फोर्स कितना लग रहा है एम जी, तो आई कैन राइट दिस एज एम जी एल बाय टू, और ये एरिया समझो वायर का रेडियस इज आर, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। तो चेंज इन लेंथ ठीक है बिफोर द वायर ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट वो कितना होगा, एम जी एल अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू वाई करके। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट।